साइड भी बना गया, दोनों साइड इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, यानी यस वेरीफाइड। इसी तरह हमको करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बेटा, जैसे आप देख लीजिए 5x = 25, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखना है, 5 रखना है, ठीक है। तो हम ये भी करके आपको दिखा देते हैं, देखिए 5x = 25, यहाँ पे 5x = 25 ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू आपको 0 रखना है। चलिए अब देखिए 5x = 25, अब x की वैल्यू क्या रखना था, 0। तो यहाँ पे 5 × 0 हो गया, 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इधर क्या है पहले से 25, इधर 0 इधर 25, दोनों इक्वल हुआ, नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया, नॉट वेरीफाइड, ठीक है। कोई भी अल्फ़ाबेट कोई नंबर के साथ जब रहता है, जैसे ये 5x है, 5x है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है। 5x है तो यहाँ पर जब x की वैल्यू रखेंगे तो वो 5 × अगर 0 है x की वैल्यू तो 5 × 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह करना है आपको, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, यहाँ पे m/3 = 2 है, और यहाँ पे m की वैल्यू हमको क्या रखना है, -6। चलिए देखते हैं, m/3 = 2, अब यहाँ पे m की जगह पर हमने क्या रखा, -6, ठीक है। upon 3, 3 × 2 = 6 ऊपर कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे -6 है तो आंसर भी यहाँ पे जो आएगा वो माइनस होगा, यानी -2। यहाँ पे -2 है और इस साइड 2 है, नंबर तो सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है, तो ये वेरीफाइड नहीं हुआ, तो क्या लिख देंगे, नॉट वेरीफाइड। इसी तरह आपको करना है, ओके।